नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल प्रभावी एजुकेशन हब में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में। दिस इज़ चैप्टर 14.18। सो मेक श्योर दैट कि आपने इससे पहले की वीडियोस देखी हैं, एंड बिकॉज बहुत ज़रूरी है, चैप्टर वाइज है। 14th चैप्टर चल रहा है, इसका 18वां पार्ट है। ऐसे ही करके सारे चैप्टर के पार्ट वाइज मैंने बनाया हुआ है, उसको आप ज़रूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो इस वीडियो में हम लोग गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड डिस्कस करेंगे। एज यूजुअल पॉइंट वाइज पढ़ते हैं, पॉइंट वाइज देखेंगे। सो द नंबर वन पॉइंट इज़ अबाउट द टाइप ऑफ स्कीम। तो ये गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो एक स्कीम है, ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है। तो बेसिकली है तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम, ठीक है, उसमें भी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है। तो दो तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसा कि अपने म्यूचुअल फंड वाले में मैंने पढ़ाया था आपको। तो एक होता है क्लोज्ड एंड, ये एक बार बस ओपन होता है और सब्सक्रिप्शन होने के बाद इसको क्लोज कर दिया जाता है, उसके बाद आप इसमें सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। दूसरा होता है ओपन एंडेड फंड, ये हमेशा के लिए ओपन रहता है, ठीक है, इसमें आप सब्सक्रिप्शन कभी भी ले सकते हैं ओपन एंडेड फंड में। तो ये वाला जो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ये ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है दैट क्लोजली ट्रैक द प्राइसेस ऑफ फिजिकल गोल्ड। तो इसका जो मोडस ऑपरेंडी है ना, ये बेसिकली फिजिकल गोल्ड के प्राइस पे ही इसका नैव डिसाइड होता है, नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नैव वाला भी पॉइंट आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो हर यूनिट है, ईच यूनिट जो है वो एक ग्राम की होती है, एक ग्राम ऑफ गोल्ड हैविंग 0.995 प्योरिटी। तो जैसा कि इसमें एक ग्राम में प्योरिटी 0.9995 की है, तो बहुत ज़्यादा प्योरिटी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब जो इसका नैव है, नेट एसेट वैल्यू, वो कैसे डिटरमाइन होता है। वो डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइसेस ऑफ फिजिकल गोल्ड। तो फिजिकल गोल्ड का डेली ट्रेडिंग होता है, ठीक है, डेली प्राइसेस चेंज होते हैं। तो डेली प्राइसेस के हिसाब से ये नैव भी बदलता रहता है। मान लो आज के डेट में जो भी प्राइस है फिजिकल गोल्ड का, उसके हिसाब से ही नेट एसेट वैल्यू होगा इस फंड का, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का। नेक्स्ट एक और जानते हैं ई गोल्ड क्या होता है। ई गोल्ड कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड है, देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट वाइज। तो ये इट्स अनदर काइंड ऑफ परचेज ऑप्शन, जहाँ पे आप गोल्ड को परचेज कर सकते हैं। इन्वॉल्विंग इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ट्रेडेड ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और ये डीमेट अकाउंट की तरह होता है, डीमेट में आपको खुलवाना पड़ता है अकाउंट, डीमेटलाइज्ड फॉर्म में होता है ये गोल्ड। तो ये एक परचेज ऑप्शन है गोल्ड का। इन्वॉल्विंग इन्वेस्टमेंट इन द यूनिट्स ट्रेडेड ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, डीमेटलाइज अकाउंट बोलते हैं, इसके ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर से आपको खुलवाना होता है डीमेट अकाउंट विथ एन एफिलिएट ऑफ NSEL। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के साथ एफिलिएशन हो जिसका, उसी का डीमेट अकाउंट आपको खुलवाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप ई गोल्ड जो है, ई गोल्ड का जो ब्रोकरेज चार्ज है एंड ट्रांजेक्शन चार्ज, वो बहुत कम होता है, लोअर देन द गोल्ड ETF। क्योंकि गोल्ड ETF में क्या होता है, म्यूचुअल फंड है, तो एक फंड मैनेजर होता है, ठीक है, और मैनेजमेंट करता है वो, और मैनेजमेंट कहीं ना कहीं एक कॉस्ट वाला टास्क है, इसमें पैसा भी लगता है, ठीक है। लेकिन जो ई गोल्ड है, वहाँ पे कोई म्यूचुअल फंड वाला टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके वजह से वहाँ पे मैनेजमेंट तो है ही नहीं, मैनेजमेंट नहीं है, तो इस वजह से ही यहाँ पे चार्जेस भी लोअर लगते हैं, क्योंकि इस फंड मैनेजर को भी तो सैलरी देनी है, ये मैनेजमेंट करता है। और यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली आप इन्वेस्ट कर देते हो गोल्ड में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वन कैन टेक डिलीवरी ऑफ गोल्ड और सेल इट इन एक्सचेंज। तो या तो आप, अगर आपने ट्रेड लिया है तो आप उसको गोल्ड में ले सकते हो, ठीक है, ई गोल्ड खरीदा है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, डिलीवरी ले सकते हो गोल्ड में, या तो फिर आप इसको डायरेक्टली सेल कर सकते हो एक्सचेंज में, जैसे कि ट्रेडिंग होती है नॉर्मल इक्विटी में, उसी तरीके की ट्रेडिंग यहाँ पे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की तरह से
की तरह यहाँ पे आप भी कर सकते हो ग्रेड। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट ये है कि वन हैज़ टू होल्ड फॉर 36 मंथ्स टू एंजॉय द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो देखिए कहीं ना कहीं इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, क्योंकि गोल्ड को कैपिटल की तरह माना जाता है और कैपिटल को होल्ड करोगे और इससे जो बेनिफिट होता है तो उस पर टैक्स भी लगता है। तो कहीं ना कहीं ये जो टैक्स है वो 20% है। तो एक ये नेगेटिव पॉइंट बनता है इस ट्रेड में, ई गोल्ड में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होते हैं, उसमें गोल्ड भी हो सकता है, एंड गोल्ड फंड 1 ईयर का होता है। यहाँ पे जो इसका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 1 ईयर के लिए होता है और यहाँ पे 10% ही लगता है। ठीक है, 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे लगता है, तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर ए स्मॉल इन्वेस्टर गोल्ड ETF वुड अपीयर टू बी द बेस्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं देनी पड़ती हैं, सच एज आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला जो टैक्स है वो टैक्स आपको नहीं देना पड़ता है, आपको डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाना है इसमें। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। तो जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं उनके लिए बेस्ट जो ऑप्शन बचता है वो बचता है गोल्ड ETF। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। मुझे लगता है ऐसा है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय।